हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे दोस्तों, और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज का ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, वही 30 अप्रैल दिन है, मंगलवार। तो ये वीडियो वही लगभग 3 बजे से मैंने स्टार्ट किया था। ये जो मैं गांव गई थी, इसके पहले आप लोगों ने देखा था, तो ये सारे कपड़े मैंने धुले थे, तो ये सारे कपड़े बाहर ही रखे थे, अभी मैंने अलमारी में नहीं सेट किए थे। ये जो मेरे, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये वीडियो में कपड़े रख रही हूँ जो मेरे बाहर धुले टंगे हुए थे, तो वही कपड़े मैं रख रही हूँ। उसमें देख देख के रखना पड़ रहा है कि जो बाबू के या उनके पापा के होते हैं डेली यूज के कपड़े, उनको मैं बाहर ही बैग में रख देती हूँ, और जितने नए कपड़े इनके होते हैं वो कपड़े मैं अलमारी में रखूँगी। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊँगी, साथ साथ में जो पुराने कपड़े थे डेली यूज के वो मैं कपड़े बैग में रख रही थी, और जो इसके साथ में नए कपड़े थे वो मैं बाहर रख रही थी, उसको मैं अलमारी में भी सेट कर दूँगी। अगर ये सही से रख दो तो फिर पहनाने के टाइम ढूंढना नहीं पड़ता है, वरना उनको का वो तो इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये साड़ी भी मैंने गांव जाने के टाइम पहनी थी, तो आप लोगों ने अगले वीडियो में देखा होगा, एक दो वीडियो के शायद पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें ये भी साड़ी मैंने पहन रखी थी। मैं गांव जाने के टाइम यही साड़ी पहनी थी, तो ये भी धुली हुई बाहर रखी हुई थी, तो इसको भी दही करके अंदर रखना था, क्योंकि ये हल्के कलर की हमारी साड़ी है। इसे अगर बाहर रख दो तो कहीं हाथ वाथ लग जाता है, या किसी चीज़ के छींटे पड़ जाते हैं, तो उसी से इसमें दाग बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं, तो साथ साथ में इसको भी रख दूँ। अगर थोड़ी सी लापरवाही कर दो तो ये हल्के कपड़े होते हैं, इसमें दाग बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, कपड़े तही हो गए हैं हमारे, और मैं जा रही हूँ उनको अलमारी में रखने। आप लोग देख सकते हैं, ये मैं पहुंच गई हूँ अलमारी में। इनके पापा के भी कपड़े थे, और मेरे भी थे, और बाबू के कुछ थे। तो जो मैं कपड़े रखने के बाद में मुझे और भी बहुत सारा काम करना है दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा मैं क्या क्या करने वाली हूँ और क्या नहीं करने वाली हूँ। सारा दिन मुझे बीत जाता है काम करते करते, तो ये आप लोग देख रहे हैं, इधर मैं आ चुकी हूँ। लगभग 1-2 घंटे बाद मैंने वीडियो शूट किया था, ये वीडियो वही है। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, बाबू नीचे खेल रहे थे, उनके पापा वो घर से बाहर थे, मैं अकेली ही थी, तो मैं वीडियो भी शूट कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। ये सब्जी मैं काट रही थी, ये तोरी की सब्जी है, ये रखी हुई थी, आज ही सुबह बाज़ार से आई है, तो मैंने सोचा ताज़ी ताज़ी बना लो, वरना ये मुलायम पड़ जाती हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं बनाने में। वैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो हरी सब्ज़ी बनाने में और खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों से बातें भी कर रही थी। ये आप लोगों से पूछ रही थी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रही थी, ये पूछ रही थी कि क्या आप लोगों को ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मी में हरी सब्ज़ी खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर लौकी और तोरी की सब्ज़ी इतने टाइम खा रहे हैं, और तली भुनी चीज़ें बहुत कम खा रहे हैं, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा हमारे बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है, तो इसीलिए मैं हरी सब्ज़ी ज़्यादा इतने टाइम यूज कर रही हूँ। तो ये तोरी की सब्ज़ी है, इसको काटने के बाद अभी मुझे चावल बीनने थे, मतलब कि अगर खाने के टाइम देख लो अगर कुछ हो तो निकाल दो खाने के टाइम, कितनों रखे रहते हैं बिने हुए साफ हुए, लेकिन खाने के टाइम देख लेना चाहिए कहीं कुछ पड़ा तो नहीं है। तो भैया देख लीजिए, इधर हमारी सब्ज़ी कट के तैयार हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं इसको पात्रों में रख देंगे पानी डाल के। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं क्या बता रही थी, कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसको किसको अच्छी लगती है। तो इधर भैया मैंने इसको बाथरूम में रख दिया था काटने के बाद में, और फिर मैं पानी डाल दूँगी, अभी धुलूँगी 2 मिनट बाद इसको। उसके पहले मैं चावल देख लेती हूँ बाहर कितने बनाने हैं और क्या करने हैं, कितने नहीं बनाने हैं। तो थोड़े से चावल डालूंगी, रोटी दोपहर में मैंने बनाई थी, तो 2 रोटी रखी हुई थी, इनके पापा खा लेंगे,
मैं वैसे रोटी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं ज़्यादातर चावल ही खाती हूँ। तो इनको आप देख रहे हैं कि मैं इनको मैं देख लेती हूँ, इसमें कुछ कांकड़ कुछ कचड़ा पड़ा तो नहीं है, इसलिए भैया हम इसको बिनने बैठ गए हैं। तो थोड़ा टाइम लगा था, इसमें पता नहीं क्या था, काला काला चावल में निकल रहा था, तो इसीलिए हम बैठे थे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे दोस्तों, और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह की गुड मॉर्निंग, सुबह के लगभग वही 9 बज रहे हैं, और ये हमारा वीडियो आज शूट हो रहा है। और जो मेरा पहले आप लोगों ने वीडियो देखा, वो मेरा वीडियो कल का है, जो उसमें मैंने ये आज की क्लिप जोड़ दी थी, क्योंकि कल रात हो गई थी, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। बस आप लोगों को थोड़ा सा शाम तक का रूटीन दिखाया था, उसके बाद में मैं आज आ चुकी हूँ नए वीडियो, और मतलब कुछ दिखाने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो मैंने परसों वीडियो एक अपलोड किया था, मेरे हिसाब से आप लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मतलब जितने भी मैंने आज तक ब्लॉग अपने खुद के शूट किए हैं, डाले हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज आए हैं। वैसे आप लोगों को बताते कुछ खास ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत थे, तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों, और क्या बताएं, तो ऐसा ही अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रखिए। तो क्या हाल चाल है भैया, मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए और हमारा सपोर्ट करिए। और भैया, आज का तो मौसम सही है, आज हवा नहीं चल रही है लेकिन धूप है, अभी सही है। तो दोस्तों, आप पता आजकल ऐसा हो रहा है कि मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो फिर में इतनी ज़्यादा हवा चलती है, इतनी ज़्यादा कि पूछो ही मत, बहुत गर्म गर्म हवा चलती है, बाहर निकलने वाला बिल्कुल नहीं रहता है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं कभी लाइव आऊँ या मेरा कोई ब्लॉग आए तो आप लोग जरूर देखें। सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, अगली नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और बहुत सारा ढेर सारा हमें प्यार दीजिए, ऐसा ही अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। तो बाय बाय दोस्तों।